बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब के रोज़े कैसे जा रहे हैं? आजकल मौसम काफ़ी अच्छा है, रोज़ा बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो जी, आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ, रेसिपीज़ हैं वैसे तो, मैंने बनाई थी कुछ चटनियाँ जो कि मैं सब लोग रमज़ान से पहले बना के रखते हैं, और सब बनाना जानते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी। और वैसे भी हमारा चैनल है तो हमने अपनी सारी रूटीन आपके साथ शेयर करनी होती है, लेकिन हमेशा की तरह मैं लेट हो जाती हूँ। तो जी, सबसे पहले जो चटनी मैंने बना के रखी थी वो मैंने बनाई थी ग्रीन चटनी, जो कि आम बनती है, हर घर में बनती है, धनिया पुदीना और ग्रीन चिली, ये ग्रीन चटनी से कहते हैं। तो ये रायते वगैरह में यूज़ होती है। तो इसके लिए जग में मैंने धनिया पुदीना ग्रीन चिली प्याज लहसुन और नमक शामिल करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अगर आप चाहे तो इसमें पानी इसमें थोड़ा सा शामिल कर दें, और कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि ज़रूरी है कि फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करें, टैप वाटर नहीं यूज़ करें, वैसे भी वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, उसके बाद आइस क्यूब ट्रे में डाला और स्पैचुला की मदद से इसको सेट किया, और उसके बाद फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। फिर इसे निकालें, किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें या जिप लॉक बैग में रखते हैं तो आपका आराम से रमज़ान का महीना आसानी से गुजर जाता है। वरना आपने रायता बनाना हो तो फिर अलग से धनिया पुदीना बनाएं और फिर से ब्लेंड करें और फिर चटनी बनाएं तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये चटनी मैंने बना के इसको फ्रीज़ कर लिया हुआ है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं क्यूब निकालती हूँ, मैंने जिप लॉक बैग में डाल के रख दिया हुआ है, मैं क्यूब निकालती हूँ उसके बाद इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो अभी ऐसे करें और फिर रख दें। वैसे आम रूटीन में भी ऐसे कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। ये जितने भी मेरे पास ट्रे थे उनमें मैंने डाल के रख दिया, उसके बाद बाकी जो बची ये मैंने इस बॉटल में डाली और रख दी। अब जी ये बारी आ गई है इमली की चटनी की। ये मैंने 1 kg इमली ली थी जो कि बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी। इसको मैंने रात में भिगो के रख दिया हुआ था, पूरी रात ये भीगी रही, सुबह भी मैंने बल्कि लेट ही इसे बनाना शुरू किया। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसका गूदा अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया हुआ है और इसकी जो सीड हैं, गुटलियाँ जो होती हैं वो अलग हो चुकी हैं। तो इसको जस्ट मैंने अभी ऐसे ही पकाया है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, 5 से 10 मिनट मैंने इसे पका लिया है। अब मैं इस स्ट्रेनर में इसे डालते जाऊंगी। नीचे मैंने एक बाउल रख दिया है, इसे अच्छी तरह दबा दबा के इसका गूदा जो है वो मैं निकाल लूँगी, सारा इसका पेस्ट थिक सा, तो उसका मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। इसको अच्छी तरह दबा दबा के निकाल लेंगे और उसके बाद ये स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह दबाएंगे ताकि सारा गूदा इसका निकल जाए। ये इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, मैंने वीडियो को काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है तो आपको लग रहा है कि कम टाइम, वैसे लग तो नहीं रहा होगा, मेहनत तो लगती है इसमें। बड़ी मज़े की चटनियाँ बनी थी इस इमली से, 1 kg से मैंने काफ़ी सारी चटनियाँ बना ली थी। तो ये चीज़ें पहले बन जाएं तो ये होता है कि टाइम की बचत हो जाती है, और इसके अलावा भी आम रूटीन में भी घर में जो है होनी चाहिए ये चीज़ें। हम इसको रमज़ान में ही सिर्फ वाजिब समझ लेते हैं। उसके बाद मैंने फिर इस स्ट्रेनर में पानी डाला ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो, उसमें फिर से डेगची में पानी गया, उसको फिर से मिक्स किया, थोड़ा सा फिर पकाया उसे। अब मैं इसे एक नेक्स्ट चटनी बनाऊंगी। पहले ये जो पल्प मैंने सारा निकाला है उसको मैं एज इट इज़ कंटेनर में सेव कर लूँगी, इसका पहले मैं आपको रेसिपी बता दूँ। तो अब मैंने इसमें 2 teaspoon ग्रीन इलायची पाउडर डाला है, 2 teaspoon ब्लैक इलायची पाउडर डाला है, और 2 cup मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। आप चाहे तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास गुड़ था लेकिन मैंने कहा चलें चीनी डाल लेती हूँ। और 1 teaspoon जिंजर पाउडर मैंने शामिल कर दिया, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो थोड़ा सा अदरक पीसें और वो शामिल कर दें। 1 tablespoon इसमें गया है चाट मसाला, और बस इसको आपने पका लेना। जो मैंने पहले पल्प निकाला है वो 2 bottle मैंने भर के रखती हैं, थोड़ा सा इस ये डिश में निकाल दिया, ये जो दिल वाली डिश है इसमें निकाल दिया। अच्छा जी, अब जो मैंने दोबारा से बनाया है इमली का
की चटनी दोबारा से बनाई है, उसमें सारी चीज़ें शामिल करके इसको भी मैं स्ट्रेन कर लूँगी। अच्छी तरह इसको भी स्ट्रेन कर लेना है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मेरे घर में जितनी बॉटल्स होती हैं, जिसमें किसी में हनी आता है, किसी में जैम आता है, अचार आता है, या जैसे भी कोई कंटेनर मेरे पास आए तो मैं वेस्ट नहीं करती, उनको मैं स्टोर कर लेती हूँ वॉश करके। और जब भी कोई ऐसी चटनियाँ या कुछ इस तरह की चीज़ें बनती हैं, इवन हम मसाले जो हम पाकिस्तानी हैं मसालों के लिए यूज़ कर लेते हैं, मीठी चटनी मेरी रेडी हो गई है और इसे मैं सारी की सारी निकाल लूँगी, गूदा जो बाकी बचेगा उसको फिर मैंने वेस्ट नहीं करना, फिर मैंने नेक्स्ट एक चटनी बनानी है। तो ये मीठी चटनी दही भल्लों में, चाट में, फ्रूट चाट वगैरह में आप डालें तो बहुत इसका मज़ा आता है। समोसों के साथ भी आप खाएँ तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा, पकौड़ों के साथ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा चटनियाँ नहीं खाई जाती, हम केचप वगैरह भी बहुत नहीं खाते, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना के रखी, बस ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हैं बना के। अब जो बाकी का गूदा बचा है उसमें भी मैंने पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स किया। अब इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ, जैसे कि रेड चिली पाउडर और क्रश चिली, चाट मसाला और नमक। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड कर सकते हैं, बल्कि ऐड कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मीठी चटनी मैंने निकाल ली है वो उसकी शुगर तो उसमें चली गई, लेकिन मैंने शुगर ऐड नहीं की। आप चाहे तो शुगर ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने इसको एक बॉईल दिया है और इसे भी मैं ठंडा करने के बाद कंटेनर्स में भर दूंगी। ये चटनी आप दही भल्लों में शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप पकोड़े समोसों के साथ खा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, आप खाएं और इन्जॉय करें। खैर, मैंने बहुत ज़्यादा चटनियाँ नहीं बनाई, तरह तरह की चटनियाँ बनती हैं, बस जस्ट मैंने इमली की ये चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी बनाई है और बाकी ये मैंने पेस्ट बना के रख दिया है। मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं जस्ट निकालूंगी और कोई ना कोई चीज़ बना लूंगी। तो वैसे जो पेस्ट है, आप जब आलू चने की चाट बनाएं उसमें शामिल करें तो बहुत मज़ा आता है, वो भी मैंने बनाई है। इंशाल्लाह रेसिपीज आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती रहूँगी। ज़रूरी नहीं है, हम लोग इन चीज़ों को रमज़ान में ही वाजिब समझ लेते हैं, आम रूटीन में भी आप इनको बनाएं और इन्जॉय कर सकते हैं। जैसे दही भल्ले हैं, ये चटनी वगैरह बना के रखें, दही भल्ले, चाट, ये चीज़ें हम समझते हैं सिर्फ रमज़ान के लिए, लेकिन सारा साल चलती हैं ये चीज़ें। तो खैर, ये सारी चटनियाँ मेरी रेडी हो गई थी तो इनको मैंने कंटेनर्स में डाल के कुछ को फ्रीज़र में रख दिया, कुछ को फ्रिज में रखा। अब ये चटनी है जिस तरह मैंने ग्रीन चटनी बनाई है उसमें सारी चीज़ें शामिल की हैं, लेकिन इसमें मैंने इमली का पल्प डाला है, ये अलग से चटनी बनाई थी। ग्रीन चिली, धनिया, पुदीना, लहसुन, प्याज और इमली का पल्प डाला है, नमक डाला है और ये चटनी बना ली है। इसको बंगाली चटनी कहते हैं, इसमें अनारदाना भी जाता है, लेकिन मैंने अनारदाना शामिल नहीं किया। ये चटनी बना के भी मैंने रख ली है, रेसिपी इसकी ऑलरेडी मैंने दी हुई है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ग्रीन चटनी के नाम से ये रेसिपी है। तो खैर जी, ये सारी मेरी चटनियाँ रेडी हो गई हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान है, आप सब मुसलमानों के लिए दुआ करें, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें, उनकी गायब से मदद करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।